गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग, महिलाएं किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकती हैं और किस तरह से कौन सा राइट इन्वेस्टमेंट चुन के अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकती हैं। इन्हीं सब चर्चा पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं अचिन गोयल, हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर फ्रॉम बोनांजा पोर्टफोलियो। अचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम पर। एक बार अपनी महिलाएं दर्शकों को बताते हैं वो किस तरह से हमारे साथ इस शो में हिस्सा ले सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल हैं आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS भी एक विकल्प है। अपना सवाल लिखिए, हमारा कोड शी लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी दर्शक किरण हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण, स्वागत है आपका बहुत बहुत शो पर। सवाल पूछिए अपना। जी, क्या सवाल है आपका? प्रोग्राम देख के अपने सारे सवालों का जवाब मिल ही चुका है करीब करीब, फिर भी मैं थोड़ा सा करेक्शन पता करना चाहूंगी। लाइक जैसे कि 1 लाख के हिसाब से मैं डॉक्टर के लिए पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें PPF, NSE एंड PF में भी 20,000 कट जाता है, कुल मिला के 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जैसे कि हमने बनाया था। तो अब जैसे 1.5 हो गया है, तो हमें किस पहली बात तो किस में बढ़ाना चाहिए? और सेकेंड क्वेश्चन ये, क्या एक एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान में जरूर होना चाहिए क्या? जी किरण, आपको बिल्कुल एडवाइस मैं दिलवा देती हूँ। अचिन, इनका सवाल आपने सुन ही लिया होगा। टैक्स छूट के लिए ये ऑप्शंस जानना चाहती हैं और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी बेटी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है PPF और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में, टैक्स छूट के लिए फिलहाल ये और कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं? पिछले हफ्ते हमने अपना बजट स्पेशल करा था, उसमें भी हमने बताया था कि बजट में फिलहाल किस तरह का प्रावधान हुआ है, ATC में जो भी टैक्स छूट के विकल्प है उनमें किस तरह से निवेश बढ़ाया गया है। अचिन, आप क्या करेंगे इनको? जी चारू जी, किरण जी को मैं बताना चाहूंगा, जैसे सबको पता है बजट की लिमिट 1 लाख से, बजट में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दिया गया ATC की एग्जेम्पशन। तो जैसे ये ऑलरेडी 1 लाख रुपए में निवेश कर रही हैं, तो बाकी जो विकल्प हैं 50,000 रुपए में निवेश करने के लिए, PPF है, ELSS है या बैंक FD है 5 साल की, ये कुछ निवेश हैं जो पहले भी थे और आज भी हैं। इनमें खाली लिमिट जो है 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि निवेश जो है हालांकि सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए नहीं करना चाहिए, ये हमारी एक आदत होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, सिर्फ इसी के लिए नहीं करना चाहिए। यह हमारे एक इनहेरेंट वो होना चाहिए कि हमें निवेश हमेशा करना चाहिए जब भी हमारे पास एक्सेस पैसा हो। तो मैं इनको सलाह दूंगा ELSS में भी निवेश कर सकती हैं ये। ELSS के माध्यम से इनको ATC में एग्जम्पशन मिलती है और जो इक्विटी ने रिटर्न्स दी हैं पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 20% से ऊपर की रिटर्न दी हैं। तो PPF में हालांकि अश्योर रिटर्न मिलती है, 8-8.5% की रिटर्न आज की डेट में मिलती है। हल्का सा अगर ये जोखिम ले सकती हैं तो इनको जो इनकी बेटी को ELSS में मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। जी, बाकी जो है जैसे उन्होंने पूछा कोटक अश्योर प्लान, तो एक बहुत अच्छा प्लान है जो आपको जो है अश्योर मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है और आपको जो है सेविंग प्लान भी देता है, तो एक अच्छा प्लान है। तो कोटक जो अश्योर प्लान है, मैं चाहूँगा कि उसमें जो है एक निवेश करने के लिए, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अच्छा है। जी अचिन, आपने बता ही दिए इनको ऑप्शंस PPF और बाकी आपने टैक्स छूट के बारे में भी बताया और किस तरह से ये अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकती हैं। फिलहाल जो टैक्स लैब में चेंजेस देखने को मिले हैं उससे स्कीम में इन्वेस्टमेंट में हमारी महिला दर्शक काफ़ी फ़ायदा उठा सकती हैं और अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकती हैं। अचिन, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इंफ्रा बॉन्ड्स की भी बात सामने आई है कि बैंकों को इंफ्रा बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं, उनको मंजूरी का भी प्रस्ताव रखा गया है। इंफ्रा बॉन्ड्स में किस तरह से निवेश कर सकते हैं? जी चारू जी, जैसे पिछले आप 2 साल पहले देखेंगे तो इन्फ्रा बॉन्ड लाए थे, जहाँ पे सरकार ने 20,000 रुपये तक का बोला था अगर आप निवेश करेंगे इन्फ्रा बॉन्ड में, तो ATC के ऊपर एक लिमिट दी गई थी। तो उम्मीद कर रहे हैं अगर वापस ये प्रस्ताव आता है तो ATC के 1.5 लाख लिमिट के ऊपर जो है शायद इंफ्रा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रा बॉन्ड लाएगी और ये ATC के ऊपर छूट मिलेगी जितना भी लाएंगे। 20,000 रुपये पिछले 2 साल में कंटिन्यू किए गए थे, इस साल हो सकता है 20,000 जो है वापस लाए गवर्नमेंट। जी, तो इनको राय दी जा चुकी है, ये अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकती हैं और साथ ही कोटक इंश्योरेंस पे भी इनको राय दी जा चुकी है। एक बात हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप जब भी निवेश करें उसको निवेश और बीमा दोनों को अलग रखें, उसको मिक्स ना करें। और फिलहाल कोटक इंश्योरेंस को अचिन ने थम्स अप किया है, इसमें ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, डॉक्टर ज्योति चड्ढा है दिल्ली से। ज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार जी,
जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? हाँ, मुझे ऐसा है कि मैंने ये देखा है कि बजट के ऊपर जितनी भी बातचीत हुई है उसमें सारे में डेट फंड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि इतना बढ़ गया है, 20-30 हो गया, लेकिन इसी जो फंड है, बाकी जो फंड है उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हमने इक्विटी की रेगुलर प्लान्स में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत पुराना है, लेकिन अब ये वो चेंज हो गया 2013 में कि आप इनको डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो ये गेट अ बेटर रिटर्न। ये पूछना चाह रहे हैं अब हमारे को इक्विटी सेल ऑफ करके हमें उसका इक्विटी के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, तो अब हम क्या क्या स्ट्रेटजी जी ज्योति, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आपने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है हमें और आपका पोर्टफोलियो काफी बेहतर लग रहा है फिलहाल। आपको बताना चाहेंगे कि इस उम्र में काफी अच्छा आपने पोर्टफोलियो डेवलप किया हुआ है और आपके पोर्टफोलियो में हम देख पा रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपने ज्यादातर शामिल करे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। अचिन, जिस तरह से इनका भी सवाल है कि बजट में जो इक्विटी डेट म्यूचुअल फंड्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 20% तक बढ़ा दिया गया है, फिलहाल इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए किस तरह का ये लाभ उठा सकती हैं? जी चारू जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड किन्हें कहते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज में 65% से ऊपर निवेश करते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के दायरे में आते हैं और रिमेनिंग नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। तो अभी इस बजट में बोला गया है कि जो डेट या नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं उनकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की अवधि है वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है और जो टैक्सेशन था उस पर 10% उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इक्विटी में जो अभी टैक्स बेनिफिट है वो अभी भी 1 साल के ऊपर है और इक्विटी में बने रहना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री आए हैं, एक बहुत अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, काफ़ी सारी एफडीआई पॉलिसीज भी आ रही हैं, तो इक्विटी में मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए, इक्विटी से नहीं निकलना चाहिए, और क्योंकि अवधि लंबे समय की है तो डेफिनेटली जो इनको एक बेटर रिटर्न मिलेंगी जी। इनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है, इनके 13 म्यूचुअल फंड में से 3 इनके डेट में है और रिमेनिंग 10 इक्विटी में निवेश है, तो इनके पोर्टफोलियो में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं और इनमें बने रहें। कुछ इंफ्रा फंड्स भी हैं इनमें जो हम देख भी रहे हैं कि इंफ्रा सेक्टर एक आगे अच्छी ग्रोथ के लिए जो है पॉइज्ड है। जी बिल्कुल, अच्छे इनके पोर्टफोलियो को भी थम्स अप दे दिया है आपने।